कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों का हायर सेट ऑफ स्किल्स टेस्ट करते हैं कुछ साल पहले की बात है जब क्वेश्चन आया करते थे व्हाट इज दिस डिफाइन दिस एक्सप्लेन दिस डे क्वेश्चन अभी तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो नाउ योर जनरेशन हैज बिन नाउ यू गाइज आर इवॉल्विंग सो फास्ट तो अभी उन लोग ने भी सोचा कि भाई इससे काम नहीं चलेगा जस्ट बिकॉज कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है आप लोगों का स्किल सेट बढ़ रहा है तो दे हैव इंट्रोड्यूस दीज क्वेश्चन फ्यू ईयर्स अगो सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सर्शन रीजन डी सी के अंडर आता है काइंड ऑफ वन मार्क के एक पैराग्राफ देके उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो so, भाई आई होप यू ऑल आर रेडी बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये पिछले uh, कुछ सालों में आ चुके हैं सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट देर इन दिस यूर ऑल्सो सो विद लॉड ऑफ हार्डवर्क इन रिसर्च दीज क्वेश्चन हैव बीन गैदर्ड अप फॉर यू सो लेट्स केयर सेज क्वेश्चन वाइजली थोड़ा जस्टिस करते हैं कंटेंट का ठीक है ओके

बैलेंस्ड इक्वेशन दे दिया तुम्हें खुश तो बहुत हुए हो गए तुम है अभी यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करके दिया बट ध्यान से देखना एक एक चीज ध्यान से देखो वो कह रहा है कि यहाँ पे रेड हॉट आयरन है ठीक है इट्स अ रेड हॉट आयरन स्टीम मतलब वेपर स्टेट वन मॉलिक्यूल ऑफ फेरोसोफेरिक ऑक्साइड फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इसको क्या बोलते हैं वी कॉल इट एज फेरोसो फेरिक ऑक्साइड इसे हम मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं ठीक है ठीके? अभी कई बच्चों को ना बहुत डाउट होता है कि मैम एफ ई टू प्लस को क्या कहते हैं एफ ई थ्री प्लस को क्या कहते हैं उनके ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं सो एफ ई टू प्लस इज एक्चुअली कॉल्ड एज फेरस एफ ई थ्री प्लस को हम लोग कहते हैं फेरिक इनके ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो फेरस का ऑक्साइड बनता है एफ ई ओ फेरिक का ऑक्साइड बनता है Fe2O3 इसे हम आयरन थ्री ऑक्साइड भी कहते हैं इसे हम आयरन टू ऑक्साइड भी कहते हैं फेरोसो फेरिक ऑक्साइड बनता है दो वैलेंसीज को मिक्स करते करके एंड जिसे हम मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं ठीक है सो आई होप यू हैव सीन एवरीथिंग क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में इसी के बेसिस पे आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सो लेट्स टेक अ लुक इज हीटिंग आयरन टू रेड हॉट और फिजिकल और केमिकल चेंज एक्सप्लेन योर आंसर सिर्फ आयरन को हॉट करा है टू रेड हॉट अब भाई बतलाइए हमको अगर हम बाल काट के बैठ जाए तो क्या हमारे कर्ली हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे ना ही भाई कभी नहीं हो सकते क्यों होंगे सिर्फ कट करने से क्या पूरा कॉम्पोजिशन बालों का प्रोटीन सब चेंज हो जाएगा या तुम लोगों के स्ट्रेट हेयर्स कर्ली हो जाएंगे वैसे वो सब नहीं हो सकता ना बस वही है आयरन था उसको तुमने हीट करके रेड हॉट आयरन कर दिया है आयरन तो आयरन है ना वो प्रॉपर्टीज थोड़ी ना चेंज हुई है ना कुछ नया सब्सटेंस रेडी हुआ है सो दैट्स वाई इट इज एप्सल्यूटली फिजिकल चेंज जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बना कोई केमिकल लोचा नहीं हुआ सो इट्स अ फिजिकल चेंज क्योंकि आयरन ने अपना फॉर्म चेंज नहीं करा अब इसी क्वेश्चन के बेसिस पे अनदर क्वेश्चन

अब इस रिएक्शन के बेसिस पे ये ऑप्शंस पढ़ो और देखो क्या लगता है क्या सही है क्या झोलझाल है व्हाट इज ट्रू अमंग दीज ऑप्शन ए फोर एटम्स ऑफ वॉटर कंबाइन विद आयरन टू फॉर्म फोर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन भाई नौवीं कक्षा पढ़ के आ चुके हो आटम्स मॉलिक्यूल्स आयर्स एलिमेंट्स इनके बीच का डिफरेंस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है तो क्या यहाँ पे आप चार एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिखोगे या चार मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन होगा कहते ही गलत है फोर फोर एटम्स ऑफ ऑफ वाटर वाटर या मॉलिक्यूल्स का इतना भी क्या मतलब कहा थ्री एटम्स ऑफ कंबाइन विद कंबाइंडर टू फॉर्म फोर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वही गलती दोबारा फोर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन नो फोर मोलिक्यूल्स ऑफ वॉटर यहीं पर ही रुक जाऊस टू मोलिक्यूल्स ऑफ वॉटर गलत थ्री आइटम्स ऑफ आयरन करेक्ट कम्बाइंड टू फॉर्मिक्यूल ऑफ आयरन ऑक्साइड करेक्ट वन मोलिक्यूल ही तो है मोलिक्यूल बोलोगे ना कंपाउंड इज वॉल्ड मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मोलिक्यूल ऑफ मोलिक्यूल कितने के पड़ गया मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंपाउंड है मोलिक्यूल रीजन ऑप्शन डी इज योर फार्थ ऑफर अच्छे से एक एक चीज को आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन दिया है और बोल रहा है सेल्युलर रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विथ सेल्स कन्वर्ट ग्लूकोज इन टू एनर्जी सत्य वचन ग्लूकोज है सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिया रेस्पिरेशन करा ऑक्सीजन इनहेल करके सिक्स मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस एनर्जी देख लिया सब कुछ अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसके बेसिस पे कि इन द अबव रिएक्शन व्हिच सब्सटेंस इज ऑक्सिडाइज्ड ऑक्सिडाइज्ड कौन हुआ ऑक्सिडाइज वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है याद आया ऑक्सीडेशन बोले तो मतलब ऐड ऑफ ऑक्सीजन या फिर इड्रोजन है कि नहीं एड ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज द वन विच एंड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन जिसका होता है वही ऑक्सीडाइज होता है और उसी को हम रिड्यूजिंग एजेंट कहते हैं ठीक है ना तो अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि उस रेस्पिरेशन रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ मतलब कौन ऑक्सीडाइज हुआ तो अभी यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में भाई हाइड्रोजन का लॉस हो चुका है हाइड्रोजन का लॉस बोले तो ऑक्सीडेशन हो चुका है ऑक्सीडेशन किसका ग्लूकोज का तो ऑक्सीडाइज भी कौन हुआ ग्लूकोज हुआ ठीक है ना सो वू इज ऑक्सीडाइज हियर ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज हियर अगर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ है तो रिड्यूस कौन हुआ है ऑक्सीजन आप बंद करके रेडॉक्स रिएक्शन है एक ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरा रिड्यूस होगा एक ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे का रिडक्शन होगा ओके मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी रेस्पिरेशन क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द टू न्यू सब्सटेंस फॉर्मड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड दे आर व्हाट्स आर दे नोन एज जी भी कोई पूछने की बात है सोचो गाइस, यू कैन किल इट रिएक्टेंट, मिक्सचर, कैटलिस प्रोडक्ट ये खुद बोल रहा है टू न्यू सब्सटेंस फॉर्म जो बनता है वो प्रोडक्ट है जो राइट एंड साइड में आ रहा है वो प्रोडक्ट है जो लेफ्ट एंड साइड में दे रहे हो वो रिएक्टेंट है सो दिस इज योर ऑप्शन डी एस योर परफेक्ट आंसर एन आई होप यू गॉट दिस हंड्रेड

आप लोगों को ग्राफ दिखाऊंगी वहां पर देख कर देखना की कैसे ग्राफ को प्लॉट करा है अकॉर्डिंग टू दाइड्रोजन विच इज इवॉल्ड अब वो आपसे बोल रहा है द लाइन ऑफ ग्राफ इंडिकेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द फ्लास्क तो ये रिएक्शन का वो आपसे रेट निकलवाना चाह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन विच इज एवट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है देखो डरना मत बहुत सिंपल है ग्राफ को देख के मत डरना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चंस डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आप लोगों के सीबीएसई के पेपर पैटर्न का पार्ट है तो डरने का नहीं यहाँ पे टाइम प्लॉट करा है इधर वॉल्यूम प्लॉट करा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा हो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ठीक है और यहाँ पे टाइम इन मिनट्स अब इस ग्राफ को देखो टाइम के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन बढ़ रहा है और यहाँ जाके कांस्टेंट हो गया है क्या करा मैग्नीशियम रिबन डाला डायलिट एक्सियर डाला एक मेजरिंग फ्लास्क के अंदर हमने हाइड्रोजन बबल्स को कलेक्ट करा यहाँ तक सबको क्लियर है अब देखो ना क्वेश्चन पूछ रहा है जब बात तो यहां बनी है, अभी यहां पे magnesium powder ले आए, in मतलब बहुत सरफेस एरिया बढ़ गया है पाउडर आते ही सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा सरफेस एरिया के बढ़ते ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते ही हाइड्रोजन बबल्स का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा ये बात ध्यान रखना हाइड्रोजन कितनी से निकल रहे हैं हाइड्रोजन बबल्स का फॉर्मेशन कितनी तेजी से हो रहा है ये डिसाइड करेगा आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अभी सरफेस एरिया बढ़ गया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया इसकी वजह से हाइड्रोजन बबल्स का फॉर्मेशन बढ़ेगा ही

वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब करें देखें कितना है इट हैज टू बी बिटवीन ट्वेंटी फाइव टू थर्टी है ना वॉल्यूम विल बी इंक्रीज तो आप लिख दो ट्वेंटी फाइव टू थर्टी सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है सो रिएक्शन रेट विल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म इन टू मिनट्स विल ऑल्सो इनक्रीज विच इज अराउंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी लेकिन ये ट्वेंटी फाइव टू थर्टी आपको मैग्नीजियम रिबिन का दिया है ना तो ये वाला जो वैल्यू है इससे तो आपको ज्यादा ही वॉल्यूम मिलेगा इन टू मिनट्स माइंडेड तो हम यहाँ पे ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिनट एक्चुअली नहीं लिखेंगे दैट्स करेक्ट क्योंकि हम यहाँ पाउडर ले चुके हैं बॉस पाउडर लेते ही हमारा सर्फेस एरिया बढ़ गया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया तो हाइड्रोजन बबल्स का फॉर्मेशन वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा इन टू मिनट्स एज कंपेयर टू अगर हम रिबिन लेते हैं समझ गए ना इस बात को इम्पॉर्टेंट है जरूरी है कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड पॉन दैट एट वट टाइम इज द रिएक्शन रेट द फास्टेस्ट इन द फ्लास्क फास्टेस्ट कब होगी अभी वापस से ग्राफ पे मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी और वहां से ये चीज डेटा नोट करके लाना एट व्हाट टाइम इज द रिएक्शन रेट फास्टेस्ट इन द फ्लास्क ये नॉर्मल की बात कर रहा है जब हमने मैग्नीशियम रिबन को HCl में डाला था तो तब रिएक्शन रेट सबसे फास्टेस्ट कौन से टाइम पर था चलिए लेट मी टेक यू बैक टू द ग्राफ सबसे ज्यादा स्टीप स्लोप कहां है यहां वन मिनट तक वन मिनट तक एकदम स्टीप है फिर धीरे धीरे देखो कम होना स्टार्ट हो गया वो थोड़ा नीचे आना स्टार्ट हो गया तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे जबरदस्त था वन मिनट के टाइम तक रेट ऑफ रिएक्शन इन फ्लास्क वॉज फास्टेस्ट तो आंसर क्या होना चाहिए वन मिनट एंसर वाला सो ऑप्शन ए इज परफेक्ट आंसर ठीक है ना आई होप यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा होगा ऑल चंगा स्टिल इफ यू फील ओ हो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या पेपर में टेक अ डे ब्रेस डर के आगे जी थे एंड दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली बस क्वेश्चन को देने का तरीका अलग है कॉन्सेप्ट आपको पता है सब कुछ आप पढ़ के आ चुके हो क्या डरना इन चीज़ों से विच ऑफ दिज कुड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन द फ्लास्ट सर्कल यश और नो फॉर ईचो सो विल दिस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर आपको कंडीशन दी है कि क्या इनमें से ये कोई इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को यस yes, तो हमें ये yes पे क्लिक कर सर्कल uh, करना है नो मीन्स नो पे क्लिक या फिर सर्कल करना है चलिए एडिंग वॉटर टू द फ्लास्क अगर पानी डाल देंगे तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा पानी डालने से रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी बढ़ता है भाई ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ कि पानी डाल दो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा उल्टा का कंसंट्रेशन और कम हो जाता है सो नो हीटिंग एसिड इन द फ्लास्क एसिड को हीट गुड टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा एब्सोल्युटली यस yes, बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड होगा उतने ही हाइड्रोनियम आयन्स होंगे जितने हाइड्रोनियम आयंस होंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा सो यस इट वो यस, ठीक है सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज यस ठीक है ना एंड हीटिंग दिन द फ्लास्क रेट ऑफ रिएशन इंक्रीज एंड इफ वॉटर टू द्लास्क बेस्ड ऑन दैट नेक्स्ट क्वेश्चन the diagram below shows the setup in which electrolysis of water takes place okay. what type of reaction takes place explain why this is an example of an endothermic reaction Kya lagta यहाँ पे आपको क्या दिया है एक ग्लास कंटेनर दिया है हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ऑक्सीजन गैस निकल रहा है एनोड है कैथोड है और उनके ऊपर इन टेस्ट ट्यूब लगाया है एनोड पे निकल रहा है ऑक्सीजन कैथोड पे निकल रहा है हाइड्रोजन और आप ये वाला जगह देख रहे हो एंड दिस कैन यू सी यर डिफरेंस कुछ कुछ चमक रहा है कुछ चमका दिमाग में क्या बोल रहा है ये पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ मतलब वॉटर विल गोइंग टू

अब सी पार्ट पूछ रहा है द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव केयरफुली फ्रॉम केयरफुलिस हाइड्रोजन वाला टेस्ट ट्यूब को रिमूव करा लाइट अ मैथ स्टिक एंड ब्रॉट नियर टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब द गैस बर्नस विद द एक्सप्लोजिव साउंड एक्सप्लेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन Obviously hydrogen, we are going to give you popson. That's one of the confirmatory test So that is your balanced chemical equation. Conditions लिखना मत भूलना. Conditions नहीं लिखोगे, so marks वही करता है. आधा mark काट लेंगे एक में से. It's a big deal. One fourth भी नहीं. Conditions नहीं लिखोगे तो half mark जाता है. ध्यान रखना.

कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा स्टिल गायस इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी ट्रैवल कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी लग रहा है डाउट डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स आई कम देयर एंड ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ एनी वन रिएक्शन दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कॉम्बिनेशन डी सिंपल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट आउट ये क्या पूछ रहा है ये कह रहा है कि मुझे ऐसे एग्जाम्पल्स दो जो इनमें से कोई भी टाइप में फॉल नहीं करते ओके okay, बताओ वन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जो ना कॉम्बिनेशन है ना डिकॉम्पोजिशन है ना सिंपल डिस्प्लेसमेंट है ना डबल डिस्प्लेसमेंट है बूझो तो जाने बताइए जी बताइए सोचो क्या कंबशन ऑफ मीथेन हो सकता है हो सकता है कॉम्बिनेशन नहीं है देखते सी एच फोर प्लस ओ टू गिवस यू सी ओ टू प्लस वाटर हीट क्या लगता है यहाँ पे ना तो डिकॉम्पोजिशन है ना कॉम्बिनेशन है क्योंकि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना डिस्प्लेसमेंट है ना डबल डिस्प्लेसमेंट है एंड डन एक ये रिएक्शन दे सकते हैं एक और रिएक्शन दे सकते हो रेस्पिरेशन वाला रिएक्शन ले लो भाई सी सिक्स एच टू फोर सिक्स सी सिक्स एच टू एव सिक्स ऑक्सीजन uh, इंटेक करा कार्बन डाइऑक्साइड दिया पानी बाहर निकाला एनर्जी बाहर निकाला ना ही डिकॉम्पोजिशन है ना ही कॉम्बिनेशन है ना ही डिस्प्लेसमेंट ना ही डबल डिस्प्लेसमेंट एंड दे आर आस्किंग यू जस्ट वन रिएक्शन एक रिएक्शन देखना है कोई भी लिख दो है ना एकदम जबरदस्त क्वेश्चन नया नया सर वेरी फ्रेश सो या रिएक्शन जो कि किसी भी कैटेगरी में ऊपर वाले फॉल नहीं कर रही गाइज okay, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन माइक प्लेस एन इलेक्ट्रिक सर्किट से करा कि इलेक्ट्रिक सर्किट रख दिया एक डाइल्यूट एसिड के अंदर और एक डाइल्यूट बेस के अंदर माइक ऑब्जर्व करता है वेदर अ लैम्प इन दि सर्किट ग्लोड और नॉट फॉर ईच लिक्विड अब देखो डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिड हो या डाइल्यूट फॉर्म ऑफ बेस हो उनमें फ्री आय्स होंगे ही होंगे फ्री आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी ध्यान रखना नोट कर लो फ्री आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडिंग इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे दोनों केस में दे विल बी देर विल डेफिनेटली बी ग्लो ऑफ बल्ब दैट विल हैपेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन्स अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इन बेसिस वॉज माई ट्राइंग टू टेस्ट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट कंडिविटी उसको कौन सा खतरों का खिलाड़ी बन रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट कर रहा है कि भाई दोनों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी या नहीं होगी दूसरा सर्किट इज प्लेस्ड इन डिस्टल वाटर क्या लैम्प ग्लो करेगा तो अभी करके आए हम लोग डिस्टल वाटर के अंदर लैक ऑफ आयंस होने की वजह से देर वुड बी नो फ्री आयंस नो फ्री आय बोले तो नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कुल खो 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 नेक्स्ट एसिड और मेटल रिहा करके क्या आएगा सॉल्ट के साथ एक्स इज दिस एक्स क्या है ये एक्स एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन जनरल रिएक्शन करके आए हैं आप लोग एसिड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है सो so, आप लोग आंसर्स कैसे लिखोगे माइक पोस्ट ट्राइंग टू चेक दी गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लैम्प विल नॉट ग्लो क्यों क्योंकि डिस्टल वाटर के अंदर दे डू नॉट कंटेन फ्री आय फाइन हाइड्रोजन गैस द आंसर फॉर दी थर्ड वन स्टेप बाय स्टेप आंसर्स लिखेंगे आप लोग एंड क्लियरली मैंशन करना की कौन से पार्ट के लिए आंसर लिख रहे हो अदरवाइज टीचर को अगर वो पार्ट नहीं दिखता है तो वो मार्क्स नहीं देंगे बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट श्योर भाई और बहनों देट मी टेल यू जो आपके पेपर्स चेक होते हैं ना वो आगे जाके वापस क्रॉस चेक होते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर आ जाता है बाद में सर पे की आपने क्यों मार्क्स दिए है यहाँ पर उनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है चीजों की तो वो आपको किसी भी ऐसी जगह मार्क्स नहीं देंगे लीनियंस लीनियन चेकिंग होती है सी में लेकिन वो आपको कभी भी ऐसी जगह मार्क्स नहीं दे सकते जहाँ पे वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो ध्यान रखना अगर आपको मार्क्स चाहिए तो थोड़ी मेहनत करना डोंट बी लेजी वाइल राइटिंग योर पेपर अग्न ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है मैम बोलेंगे हाँ सारी क्वेश्चन ईजी है आप तो सभी इजीजी कह रहे हो अच्छा चलो पढ़ते हैं Which of these graphs show how the pH of milk changes as it forms to curd? pH क्या होता है Drop होता है pH एकदम से drop होगा milk से curd तक के formation में because it becomes acidic, है ना तो pH पहले बढ़ा हुआ था time के साथ साथ कम हो गया pH बढ़ा था constant रहा almost time के साथ साथ pH एच बढ़ा फिर कम हुआ pH कम हुआ फिर बढ़ा में आपको ज्यादा समझ लग रहा है कि क्या ये कांस्टेंट रह सकता है के लिए क्या नीचे जाके एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉड और एक बार कॉर्डलिंग हो गया वापस तो मिल्क में ला नहीं सकते हो सो दैट्स रीजन ऑप्शन ए इज योर ही आंसर ओके

ऑबियसली अगर हम लोग एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो पी बढ़ जाएगा बेस को डाइल्यूट करोगे तो पी घट जाएगा Again, pH of base will decrease if you dilute it. pH of acid will increase if you dilute it. तो वो उनके उल्टा साइड भागते हैं हाइड्रोक्सिल आय ज्यादा पर मिलेंगे उनको ज्यादा हाइड्रोक्सिल आय सो होता क्या है ना डायल्यूशन

कम होने लगेगा मतलब पीएच लेवल बढ़ने लगेगा। सेम थिंग हैपेंस विद द बेस। का हाइड्रोक्सिल कंसंट्रेशन कब बढ़ता है जब उनका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है जब आपने उसको डाइल्यूट करा तो उनका हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ जिसकी वजह से उनका पीएच लेवल कम होने लगेगा आई होप यूर गेटिंग इट सो येस दैट्स योर आंसर All right, moving on to your next question and here it is. The pH of three solution is given in the table. Answer the questions that follow. A. Which of these solutions could possibly react with zinc metal to produce hydrogen gas? सबसे पहले क्या करो? यहाँ पर लिख लो. ये एसिड है, बिकॉज़ pH 7 से कम है. ये बेस है, क्योंकि pH 7 से ज़्यादा है. And this is neutral. ठीक sure. है? सो पी एसिड है आपका आर बेस है एंड क्यू न्यूट्रल है नाउ स्टार्टिंग अप, ऑफ़ पॉसिबली रिएक्ट जिंक मेटल। अब जिंक ठहरा आपका एम्फोटेरिक मेटल एम्फोटेरिक मेटल होने की वजह से ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वॉटर हाइड्रोजन गैस देगा डोड यू थिंक सो इट इज द ट्रूथ इट्स एम्फोटेरिक एसिड और बेस के साथ मक्खन रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा होता क्या है सबसे ज्यादा गलती होती है कि आप सोल्यूशन पी लिखाओगे सोल्यूशन आर आप मिस कर देते हो क्योंकि आप लोग को ये क्लिक नहीं होता है उस समय कि भाई एसिड और बेस जिंक दोनों के साथ रिएक्ट करता है आपके दिमाग में बस ये है मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस देगा यही हम लोगों के लिए ये इसके लिए हम बहुत ज्यादा ट्रेंड होते हैं बट ध्यान रखना एम्फोटेरिक मेटल साथ एक अलग से दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि जिंक है एलुमिनियम है एम्फोटेरिक है कुछ तो अलग होगा मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा दैट मीन आई कैन राइट पी एंड आर सोल्यूशन समझ लो नेक्स्ट विच ऑफ कुड बी दिसम्ड बाई रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इन वॉटर मेटल ऑक्साइड और पानी मतलब सोडियम ऑक्साइड और पानी के साथ बनेगा मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो बेस तो इसका मतलब क्या बनेगा कौन सा सोल्यूशन बेसिक आर विच ऑफ दी बी दिस इज इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा सोल्यूशन होगा दैट कुड बी यूज एज अ रॉ मटीरियल फॉर द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरिन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बोले तो

neutral hai bhai, means ph is equal to 7 nacr neutral sorted pani neutral and tara that gives you uh, q answer q dekhe solution p solution r solution r solution q and that's cool i hope oh good changa now it's time for you to have your homework होमवर्क क्वेश्चन देख लो भाई और बहनो दैट अ मिक्सचर ऑफ एन एसिड एंड बेस डस नॉट चेंज द द द कलर ऑफ ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर कंपेयर अमाउंट प्लस एंड माइनस इन सॉल्यूशन लॉजिकल क्वेश्चन है पढ़ो दोबारा नहीं समझ आ रहा दोबारा पढ़ो अदिति ने एक मिक्सचर बनाया एसिड और बेस का और उस एसिड एंड बेस के मिक्सचर ने डॉट चेंजेस कलर ऑफ द लिटमस पेपर ना एसिड का टेस्ट दिया ना बेस का टेस्ट दिया ना रेड लिटमस ब्लू हुआ ना ब्लू लिटमस रेड हुआ फिर वो पूछ रहा है कंपेयर करो अमाउंट ऑफ एच प्लस इन मिक्सचर इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो लेट मी नो देखे किसके दिमाग की बत्ती जली है सो थैंक यू सो मच गाइज डू नॉट वेट टू प्रेस दी बेल आइकन शेयर एंड कमेंट और मुझे और चीजें बताइए अब चार्ट बॉक्स में आपको और किस किस पे डाउट आ रहा है कौन से वीडियोज बनाए आई विल डेफिनेटली केट दैट एंड एंटरटेन